अगली खबर मध्य प्रदेश के कटनी जिले से है, जहां नसबंदी से एक संबंधित मामला आया है। दरअसल यह मामला जिले के कन्हावरा स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर होने वाली तीसरी संतान के एक दंपति ने 2020 में नसबंदी ऑपरेशन कराया था, लेकिन वो नसबंदी ऑपरेशन फेल हो गया, जिसके बाद से दंपति इस मामले में उचित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पीड़ित कन्हावरा निवासी चंदा कुशवाहा ने बताया कि उसकी पत्नी ने 2020 में नसबंदी ऑपरेशन करवाया था, जिसके बाद वे बच्चों के लालन पालन में लग गए, लेकिन अब वह फिर से गर्भवती हो गई। हालांकि पीड़ित दंपति ने स्वास्थ्य विभाग में शिकायत की है, लेकिन उन्हें अब तक विभाग द्वारा मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जिले में नसबंदी करने के लिए जो लक्ष्य दिया गया, उसके अनुरूप कार्य किया जा रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, इसके बाद भी डॉक्टर आर बी सिंह के द्वारा जी जान से इस कार्य को पूर्ण करने के प्रयास किए जाते हैं। आज दिनांक तक इस पूरे अकाउंट्स ईयर में 16,528 लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं, मगर ऑपरेशन जो करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक रबड़ की रिंग होती है, जो हम महिला के फिलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। चूँकि रबड़ की रिंग होती है और ये स्लिप होने की संभावना इसकी रहती है। बहुत अधिक केसेस में तो नहीं, मगर लगभग एक से दो परसेंट केसेस में ये रबड़ की रिंग स्लिप हो जाती है और इस कारण से नसबंदी का ऑपरेशन सफल नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ चूँकि 16,528 ऑपरेशन हो चुके हैं, और यदि 1% के हिसाब से माना जाए तो लगभग 165 ऑपरेशन फेल होना एक आम बात है। इसके बाद भी आज दिनांक तक मात्र 16 हितग्राही ऐसे थे जिनका ऑपरेशन फेल हुआ है। तो ये एक मेडिकली नॉर्म के अंतर्गत है, और ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। ये इतने ऑपरेशन फेल हो भी सकते हैं और हुए भी, बल्कि इससे ज़्यादा लगभग 1% फेल हो सकते हैं। तो ये अब ऐसी स्थिति में क्या उन लोगों को किसी प्रकार जी अब चूँकि ऑपरेशन फेल हो गया है, तो उनके लिए हम नए सिरे से पुनः ऑपरेशन करेंगे, और चूँकि इस बीच उन्हें काफ़ी क्षति पहुँची है, इस क्षतिपूर्ति राशि के रूप में हम 30,000 रुपये प्रति महिला को, प्रति दंपति को देंगे।